हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हेडलाइन को देख सकते हैं कि जेफरी से मुलाकात में बोले गौतम अदानी, बड़े पैमाने पर बाजार से तय हो रही पावर सेक्टर में प्राइसिंग, पैदा हो गए नए मौके। पूरी वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। सो ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हाल में दिग्गज कारोबारी और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी से मुलाकात की, और इस मुलाकात में गौतम अदानी ने पावर सेक्टर के भविष्य, इसमें मौजूद संभावनाओं और मौक़ों के साथ साथ कर्ज प्रबंधन और क्रेडिट रेटिंग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। जेफरीज द्वारा इस मुलाकात से जुड़ी जानकारी के साथ शेयर किए गए नोट के मुताबिक, भारत में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल स्केल पावर एग्रीमेंट में आए उछाल ने देश के पावर सेक्टर की ग्रोथ को और तेज़ किया है। आज दुनिया में 50% से ज़्यादा पावर वॉल्यूम का लेन देन डिमांड सप्लाई प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। बता दें कि भारत में लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट से अलग ट्रेड होने वाली पावर वॉल्यूम की मात्रा 8% 2010 में से बढ़कर अब जो है 15% पहुंच गई है। पावर सेक्टर आउटलुक पर गौतम अदानी, सो इस पॉइंट को देख लेते हैं कि गौतम अदानी ने मुलाकात में कहा कि ये एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी उत्साहजनक वक्त है। फिलहाल मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग और डेटा सेंटर्स से पैदा होने वाली मांग से पावर सेक्टर की ग्रोथ, खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ पर और तेज़ होने की उम्मीद है। नोट के मुताबिक अदानी ग्रुप की ग्रोथ स्ट्रेटजी होलिस्टिक है, जिसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन, कंट्रोल्ड लेवरेज, उत्पादन स्तर बढ़ाने और इक्विटी रिटर्न पर ध्यान केंद्रित है। फोकस एरिया और लेवरेज, क्रेडिट रेटिंग, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि गौतम अदानी ने जेफरीज से कहा कि बैलेंस शीट पर बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ाए बिना बेहतर इक्विटी रिटर्न जनरेट करना ग्रुप की कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान का मुख्य हिस्सा है। मीटिंग के बाद ब्रोकरेज ने नोट्स में कहा कि हाई क्वालिटी क्रेडिट रेटिंग बरकरार रखना और ज़रूरी कर्ज शर्तों का पालन करना अहम है, क्योंकि ब्याज अनुमानित रिटर्न को प्रभावित कर सकता है। सफलता का मूल मंत्र उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी, इस पॉइंट को देख लेते हैं। ये जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जेफरीज ने नोट में कहा कि अदानी ग्रुप ने हमेशा अपने दृष्टिकोण को धरातल पर लाने का मुद्दा दिखाया है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में खनन प्रोजेक्ट की बात हो या APSEZ के जरिए इंडियन लॉजिस्टिक के मार्केट लीडर बनना हो, हर जगह अदानी ग्रुप ने अपना मुद्दा दिखाया है। भारत के ट्रांसमिशन सेक्टर में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक अदानी ग्रुप के वक्त पर भूमि अधिग्रहण, कार्यकुशल वेंडर एग्रीमेंट्स, ओवरसीज ग्रीन बॉन्ड्स की तरह के कॉम्पिटिटिव डेट तक एक्सेस, बैंक वर्ल्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन जैसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के चलते ग्रुप तय समय पर अपने कार्यों को पूरा करने पर नियंत्रण बना पाता है। इससे भारत के एनर्जी सेगमेंट में अहम भूमिका अदा करने में अदानी ग्रुप को मदद मिलती है। एनर्जी प्लानिंग, इस पॉइंट को देख लेते हैं कि 2010 तक वैश्विक ऊर्जा ज़रूरतों का 17% हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी के जरिए पूरा किया जाता था, अब यह हिस्सेदारी बढ़कर 21% पहुंच गई है। अब भी 79% ज़रूरतों की पूर्ति क्रूड ऑयल जैसे मॉलिक्यूल्स बेस्ड सोर्सेस से पूरी हो रही है। नोट के मुताबिक कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पावर एग्रीमेंट्स, खास तौर पर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ये अब 5 GW के स्तर पर करो पावर कर चुके हैं। इनमें लगातार ग्रोथ हो रही है। ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 से पावर सेक्टर को रिन्यूएबल एनर्जी तक और ज़्यादा पहुंच मिली है, और इससे ग्रोथ भी तेज़ हुई है। और आखिर में देख लेते हैं कि मुनाफे के नए मौके। सो वैश्विक तौर पर पावर सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ हुई है। अब UK, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में एक्सचेंज की तरह के प्लेटफॉर्म्स पर 50% से ज़्यादा पावर वॉल्यूम की ट्रेडिंग हो रही है। कॉरपोरेट्स द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किए जाने के ट्रेंड में इजाफे के चलते एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स में इजाफा हो रहा है, जिससे कीमतों का निर्धारण बाजार पर निर्धारित होने का रास्ता साफ हो रहा है। इस बदलाव से भारत में कंपनियों को मुनाफा बनाने के लिए नए मौके मिलेंगे। सो ये जो है इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। आगे और भी कुछ न्यूज़ आई है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सो अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को,
और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।